वेल डोनाल्ड, घर के अंदर तो आपको सताया ही गया, पर बाहर आने के बाद भी हमें ऐसी उड़ती उड़ती खबर मिली है कि आपका 50,000 का कुछ सामान जो है वो गायब आपको कर दिया किसने है। किसने बोला? तो कितनी सच्चाई है इस खबर में और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो पता ही चल रहा है, अभी मैं क्या बोलूँ, घर में तो सताया ही, अभी यहाँ पे भी ऐसा कर रहे हैं, बट व्हाट कैन आई से Let the God decide what is right and what is wrong. मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। पर ये सच है कि आपका सामान है? काफ़ी सामान नहीं है, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि क्या क्या मिल गया आपको, नहीं मिला है, so I've given them, बताया है कि क्या क्या है, तो वो सब मेरी टीम कर रही है, that's fine, क्या कह सकती हूँ। वेल, घर के बाहर तो आ गई है, लेकिन यू नो वॉर अभी भी चालू है, आपके फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप दोबारा बिग बॉस हाउस के अंदर जाएं, तो आपका क्या प्लान है अगर मौका मिले तो एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर के अंदर जाना? बिल्कुल मैं जाना चाहूँगी, और ब्रिंग बैक डोनाल्ड भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा था, और एवरी डे सब मुझे इतना प्यार दे रहे थे, इतना ट्रेंड कर रहे थे, थैंक यू टू ईच एंड एवरी पर्सन। अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और मैंने जितना जैसी मैं थी, ऐसा नहीं है कि मैं चेंज हो जाऊंगी या कुछ, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूंगी, विद डिग्निटी, विद रिस्पेक्ट, जैसी मैं निकली हूँ घर से बाहर वैसी ही मैं वहाँ पे रहूंगी, बिकॉज़ दिस इज़ रियल मी। और उन लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि मास्क पहनना छोड़ दे, कोरोना नहीं है, अंदर नहीं है, सब साफ है अंदर, बट रियल फेस जो दिखता है तब अच्छा लगता है, और लोग आपसे सब फिर प्यार करते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्या होता है ना कि गेम से बढ़कर इंसानियत, ह्यूमैनिटी से बढ़कर कोई भी गेम नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो आई वॉज़ इंटैक्ट विद माई ह्यूमैनिटी, विद माई गुड हार्ट, जो मैंने सलमान भाई को भी बोला था जब मैं स्टेज पे गई थी, आई वॉज़ देयर विद गुड हार्ट एंड आई केम आउट विद लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो मेरे लिए वही बहुत है, मैं बिग बॉस 15 जीत गई, इतना मुझे प्यार मिला है। वेल,